हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया खूनी झूले की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं खूनी झूले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। फिर एक दिन पिंकी पास के गार्डन में घूमने जाती है, लेकिन वो गार्डन पूरी तरह सुनसान था। पिंकी को वहाँ एक भी आदमी नजर नहीं आता। अरे आज तो संडे का दिन है, लेकिन फिर भी यहाँ गार्डन में पूरी तरह खाली क्यों है? तभी पिंकी की नजरें झूले पर पड़ती है। वो झूला पूरी तरह नया था। उसकी सुंदरता देख पिंकी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। तभी पिंकी की नजरें झूले पर पड़ती है। वो झूला पूरी तरह नया था। उसकी सुंदरता देख पिंकी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। अरे वाह, ये झूला तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर झूला तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पिंकी की मन में लालच आ जाता है और वो झूले को चुराने का फैसला कर लेती है। मैं इस झूले को चुरा लेती हूँ, वैसे भी मुझे देखने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। इतना कह कर पिंकी उस झूले को चुरा कर अपने घर ले जाती है। लेकिन घर जाते ही उस झूले के अंदर से एक बड़ी तलवार बाहर निकल आती है और वो तलवार पूरी तरह खून से सनी थी। ये देख पिंकी के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये तलवार कहाँ से आ गई? इस पर तो खून लगा है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर पिंकी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो तलवार पिंकी पर हमला कर देती है और देखते ही देखते वो तलवार पिंकी का सर काटकर अलग कर देती है। इस तरह पिंकी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो तलवार गायब हो जाती है और वो झूला हवा में उड़ता हुआ वापस गार्डन में पहुंच जाता है। फिर अगले दिन रानी और करण नाम के पति पत्नी उस गार्डन में घूमने जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजर उस झूले पर पड़ती है कि तभी उस झूले का सम्मोहन दोनों पर हावी हो जाता है और दोनों से उठाकर अपने घर ले जाती है। फिर जैसे ही दोनों पति पत्नी उस झूले पर बैठकर झूलने लगते हैं कि तभी फिर से उस झूले के अंदर से तलवार बाहर निकलकर दोनों पर हमला कर देती है। अरे नहीं, ये तलवार कहाँ से आ गई? मुझे बचाओ करण। लेकिन इससे पहले करण रानी को बचा पाता, तलवार करण का सर काट देती है। ये देख रानी जोर से चिल्लाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो तलवार उसे भी नहीं छोड़ती और एक ही झटके में उसका भी सर काट देती है। इस तरह दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर से वो जादुई झूला हवा में उड़ता हुआ वापस गार्डन में पहुंच जाता है। इस तरह कुछ ही दिनों में वो झूला कई लोगों की जान ले लेता है। फिर एक दिन चंगो नाम का एक आदमी उस गार्डन में जाता है और झूले को देखते ही उसके ऊपर भी सम्मोहन हावी हो जाता है। वो भी दूसरे लोगों की तरह झूले को उठाकर अपने घर ले जाता है और उस पर झूला झूलना शुरू कर देता है। फिर हमेशा की तरह उसके अंदर से तलवार बाहर निकल आती है, लेकिन तभी वहां चंगू की बेटी कोमल आ जाती है। अरे पिताजी, ये तलवार कहां से आ गई? सामने से हट जाइए। कोमल की बात सुनकर चंगू झूले को छोड़कर भागने लगता है। तभी कोमल लोहे की एक बड़ी सी रॉड उठाकर उस तलवार के साथ लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो तलवार अचानक गायब हो जाती है। अच्छा हुआ बेटी, तुम सही वक्त पर आ गई, वरना ये तलवार मेरी जान ले लेती। मुझे लगता है पिताजी, ये कोई खूनी झूला है जो लोगों की जान ले लेता है। तुम ठीक कहती हो बेटी, लगता है हमारे गांव में जो मौतें हो रही है उन सभी मौतों का जिम्मेदार यही झूला है। पिताजी, हमें किसी तांत्रिक को बुलवा कर इसे नष्ट करवाना होगा, वरना ये इसी तरह इंसानों की जान लेता रहेगा। फिर उसके बाद कोमल और उसके पिताजी एक तांत्रिक को अपने घर बुला लेते हैं। तांत्रिक झूले के सामने आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है। तभी उसे एक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है। तांत्रिक उसी वक्त थोड़ी सी राख उठाकर झूले के ऊपर डाल देता है और अगले ही पल वो झूला एक चुड़ैल में बदल जाता है।
अच्छा तो तू झूले का रूप धारण करके लोगों की जान ले रही थी, लेकिन अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। नहीं नहीं तांत्रिक, मुझे मत मारो। एक शैतान के श्राप की वजह से मैं झूले में बदल गई थी। मेरा यकीन करो, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। तांत्रिक जी, मुझे लगता है ये चुड़ैल सच बोल रही है, आप इसे मत मारिए। और ठीक है, मैं इस चुड़ैल को नहीं मारूंगा, लेकिन दोबारा ये किसी की जान ना ले सके इसीलिए मैं इसे अपने मंत्रों की शक्ति से यहाँ से बहुत दूर जंगल में भेज देता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर राख डाल देता है और वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई दूर जंगल में पहुंच जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन से लोगों की मौतों का सिलसिला पूरी तरह रुक जाता है। तो आपने देखा दोस्तों खूनी झूले की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं होती, एक ना एक दिन उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। और साथ ही हमें कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।